2013 से 2018 में 20 पैसे थे, उसमें 2015-16 और 16-17 में फ्यूल सरचार्ज जीरो बढ़ाया था बीजेपी सरकार ने। अभी जो इस साल फ्यूल सरचार्ज बढ़ा है वो 60 पैसे नहीं 1.50 रुपये बढ़ा है। अभी सरकार ने 4 रुपये 20 पैसे का स्पेशल सरचार्ज लगाया है, उसमें आदेश किया है कि वो 4 रुपये 20 पैसे आने वाले 5 साल में वसूले जाए। 1 महीने के 7 पैसे के हिसाब से वो पैसा आपके बिलों में चार्ज होगा। अब इस सरकार को पता होना चाहिए कि अगले 60 महीने में इनकी सरकार ही नहीं रहेगी और आपके बिलों में 7 पैसे प्रति यूनिट वो वसूले जाएंगे 60 किस्तों में। तो 5 साल तक ये जो रेट बढ़ाई है इसका ये अभी आपके 4 महीने में नहीं डाल के अगले 5 साल का आदेश किया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा आपके जो 2000 रुपये प्रति कनेक्शन जो अभी महंगाई राहत शिविरों में जो अनुदान दिया जाना है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ कंडीशन है। किसान का मीटर सही होना चाहिए, कनेक्शन 15 अप्रोच से ज्यादा होगा तो भी उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने बागनर जिले में करीब 50% लोग ही लाभान्वित होंगे, बाकी जिलों में राजस्थान के अन्य जिलों में 90% लोग इनसे वंचित हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री बीकानेर जिले के हैं, उनके क्षेत्र में 51,000 कनेक्शन है, 51,000 में से 48,000 कनेक्शन के मीटर जले हुए हैं, 48,000 तो सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं। उसके अलावा उनके क्षेत्र में 15 अप्रोच से ऊपर का कोई कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार ऊर्जा मंत्री के एरिया में मात्र एक भी आदमी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, जबकि वहां 20,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो महंगाई राहत शिविरों में पब्लिक को वहां लाके और झूठे वादा करना, इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है। आपका बिल जब जून के बाद आएगा आप बिल देखेंगे, सरकार को पूछेंगे कि ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा इस बजट घोषणा में सरकार ने 3,38,000 कनेक्शन की घोषणा की है। आज से 3 साल पहले 1,00,000 कनेक्शन की घोषणा की, उसमें 20,000 कनेक्शन आज की तारीख में बाकी है। तो ये सरकार 2 साल में 3,38,000 कनेक्शन कैसे करेगी, तो ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है और एक बरगलाने वाली बात है। इसलिए मैं किसान भाइयों को कहूंगा कि आप थोड़ा समझ के और आने वाले चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को वोट दें। किस तेज धूप है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपीसी जोशी पधारे, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गौर साहब, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी पधारे, इनका भी बाढ़ में